मैंने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अब इनसे तो मत रुको। कौन कहता है कि तुमने अपने बच्चों के लिए मेरे लिए कुछ नहीं किया? एक बाप अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने के लिए, अपने घर को बनाए रखने के लिए अपने आप को घिस देता है। विक्रांत, मुझे लगता है ना हमारे को एक बार डेस्क लगाना पड़ेगा। हाँ सही है। तो किसी को बेच के मंगा लेते ना। एक काम करते हैं ना, विजय को बोलते हैं ना ले आएगा। क्या मुझे आया होगा हाथ बटाने? हाँ हाँ, और क्या, आया ना अपने दोस्तों को लेके। वही ना विजय। राजीव, इन सब फालतू बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? अच्छा, अब ये सारी बातें फालतू की हो गई। अच्छा, इन सब फालतू बात के लिए तू हेड बनना चाहता था ना, भूल गया? अच्छा, अंगूर नहीं मिले तो हटे हैं। अच्छा भगाया विजय को, इसे थोड़ी ना हमारे बीच आने देंगे। कोपा, विक्रांत और मैं मिलके, हम तीनों मिलके इस एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन करेंगे। गेट इट? इट्स अ गुड आइडिया, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। आबा, यार तुम किसी को लेके साथ जाओ और एक डेस्क लेते आओ। ओके, अब प्रशांत अपन चलें। विक्रांत, कोपा, एक काम करते हैं, आज के लिए पैकअप करते हैं और
और भी बहुत काम करने हैं, लेक्चर अटेंड करने हैं, बाकी काम कल करते हैं ना। ठीक है, ओके ओके गाइस, विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग टुमारो, सो लेट्स लीव। हां थैंक यू। गोपा अजी, मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम की स्टार्टिंग तुम्हारे डांस से करते हैं। क्या यार, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों डांस नहीं करोगी? पर राजीव, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फंक्शन की तैयारी के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा मेरी असल के लिए, और पढ़ाई भी तो करनी है। कहने के मैनेज हो वो? मैं हूं ना, हम सब मिलके मैनेज कर लेंगे। क्यों? हाँ हाँ गोपा, मैनेज हो जाएगा, तुम साथ हो तो सब ठीक हो जाए। एक ग्लास पानी दो ना। ओ दिया सु, थैंक यू मां। अरे पानी तो ऐसे मांग रही थी जैसे कि बहुत सारा काम करके आई हो। मैं भी तो बहुत सारा काम करती हूँ, पर मैं किसी को ऑर्डर दे सकती हूँ क्या? ये तो मैंने तुझे दे दिया पानी क्योंकि तू मेरे लिए बहुत काम करती है, वरना कोई और मांगता ना तो मैं चिढ़ जाती। माँ मैना और धोन मांगते तब भी आप यही कह के पानी देते। बड़ी अच्छी तरह से जानती है तू अपनी माँ को। अपनी माँ को ही नहीं, दुनिया की सारी माओ को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सब आपकी तरह क्यूट जो होते हैं। और बाबा? बाबा तो महान होते। माँ बाबा कैसे? कहते हैं कि ठीक है, पर तू तो अपने बाबा को जानती है ना, कभी कुछ बोलते हैं क्या? बाबा अगले हफ्ते कॉलेज में फंक्शन है, अभी फिर वापस जा रही हूँ। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? मोर एको हुआ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ भी नहीं। अच्छा तू ये सब छोड़, ये बता तेरे कॉलेज में जो फंक्शन है उसकी तैयारी कब तक चलेगी? वो तो फंक्शन के दिन तक चलती रहेगी। अच्छा, और मैं फंक्शन में डांस भी कर रही हूँ। अरे वाह, एकदम बढ़िया भाई, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है हमारी बेटी। हैं? बेटी किसकी हूँ,
तेरी माँ माला की और किसकी। अच्छा और ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम मस्त बाबा। अच्छा लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे पढ़ाई पे नहीं आप पे ध्यान देना है। मेरा ध्यान क्यों? अरे मुझे क्या हुआ, मैं एकदम ठीक ठाक हूं। देख तू मेरी चिंता मत किया कर, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और होने वाला जो फंक्शन है उस पे ध्यान दे। मैं एकदम ठीक हूं, मेरा चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं हूं ना। देख ला। अरे बाप रे, बाबा मैं लेट हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। की होल? पुमा डांस का रिहर्सल है। बाबा मैंने आपको बताया था ना? हाँ बताया था। माँ कॉलेज में फंक्शन है और मैं डांस करने वाली हूँ। मुझे आओ। बाबा आप अपना ध्यान रखिए। हाँ बेटी तू जा और अपना ख्याल रखना। हाँ जी। हाँ संभाल के जाना। ठीक है। कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? एक्चुअली अभी रिहर्सल है ना, तो थोड़ा सा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन है, और वो जो लास्ट का स्टेप है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। कौन सा? ये वाला। जो आखिरी वाला स्टेप है ना एक बार फिर से करो। ऐसे? एग्जैक्टली। वेट सी, ये जो टो है ना ये पॉइंटेड रखना चाहिए। हाँ और जो ये लास्ट वाला ट्यून है ना ये हाँ इस पे थोड़ा सा स्लो जाओ। स्लो ओके करो। ऐसे? That's perfect. कैसे किया मैंने? कोपा तुम कमाल कर रही हो, तुम ना स्टेज पे कमाल करने वाले। राजीव तुम करवा रहे हो इसीलिए कमाल होगा। कोई किसी से करवाता नहीं है, टैलेंट है तो मुमकिन है। तुम अपना क्रेडिट मुझे दे रहे हो? नहीं, तुम अपने टैलेंट का क्रेडिट मुझे दे रही हो। राजीव तुम हो तो मुमकिन है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। खाने में नमक क्यों कम होता है? नमक कम से नाइटो? उससे क्या पूछ रही है? नहीं मैं क्या झूठ बोल रही हूं? नहीं तो उससे क्या कह रही है? वो तो तेरी हां में हां मिलाएगा ही। मां जी क्या आप सास जैसी बिल्कुल है नहीं पर सास बनना चाहती है। ये कहिए ना कि राजीव के बिना खाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? ठीक कोई शर्ट है कहाँ है वो?
उसके कॉलेज में फंक्शन है, उसी की तैयारी कर रहे। अगले महीने फाइनल ईयर का एग्जाम भी तो है ना। हाँ, आपने पूछा उससे कुछ कि फाइनल ईयर एग्जाम के बाद उसने क्या सोचा है? कुछ बात हुई आपकी? ना है। अरे तो इसमें सोचना क्या है, शादी उसके बाद? माँ, पहले उसकी मर्जी तो होनी चाहिए। इसमें मर्जी की तो कोई बात है ही नहीं। सुजय की बेटी प्रिया से ही उसकी शादी होनी है। लेकिन क्या, अच्छे घर की लड़की है, अच्छे संस्कार वाली, और राजीव की पसंद? उसकी तो वही पसंद है जो हमारी पसंद है। और अगर ये शादी नहीं हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। और राजीव की शादी सिर्फ और सिर्फ प्रिया से ही होगी। आगे से नमक थोड़ा ठीक डाल। माइंड ब्लोइंग यार, तू इतना अच्छा डांस करती है, मुझे तो नहीं पता था यार कोपा। मुझे भी पता नहीं था। तो किसने सिखाया? राजीव ने? हाँ। हैं? सिखाया। तो आज राजीव सिखाने क्यों नहीं आया? सिखाना था सिखा दिया, अब वो क्यों आएगा? चल झूठी, ज्यादा बन मत, मुझे सब पता है। क्या पता है? तेरा और उसका चक्कर है। ये क्या तू चक्कर वाली बात कर रहे चक्रम, ऐसा कुछ नहीं है। पागल होई तो हो सके पागल। उसे प्यार नहीं करती है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, प्यार करती है और बोलना नहीं है, ऐसा वाला है ना? वो तो कुछ भी टॉपिक लेके बैठ जाती है। कुछ भी नहीं, बल्कि ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा। प्यार करती है तो इतराती क्यों है? अब बस भी करेगी। क्यों? सुनकर तो देख तू कितना ब्लश कर रही है। तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कितने टाइम से तुम दोनों को देख रही हो, एक दूसरे को देखते हो तो बाल्टी भर भर प्यार झलकता है तुम दोनों की आंखों से। और जब तुम दोनों आमने सामने होते हो तो दूसरा तुम्हें कोई नजर आता है? तो देख कोपा, ये सारी बात सुनकर तो खुशी से फूले नहीं समा रही है और मुझे कह रही है राजीव नहीं आने वाला था इसीलिए मुझे बुलाया ना तूने। फंक्शन के हेड है राजीव साहब और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, तो उसको पूरा करने में टाइम तो लगेगा ना। ओहो, इतना प्यार? बहुत हो इसे होपो। बहुत ऐसी बात करेगी तो मजा आएगा ही ना कोपा। सही है कोपा, तुम्हारी और राजीव की जोड़ी बहुत 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 परफेक्ट लगेगी। सच? स्टैम्प पेपर पे लिखवा दूं?
यह सारे कॉलेज के ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं। राजीव और कोपा की जोड़ी बहुत 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 जमेगी। बस 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 देख, जैसे मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया वैसे ही तू हमारे लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर। जाने मन ऐसा प्यारी क्या जिसको कंट्रोल करना पड़े। इसी को तो प्यार कहते हैं। पर मैं उस बंटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो जस्ट चिल। ओके, चिल ना, तू हो जा। अब मैं ना अपना भला बुरा खुद समझती हूँ। देख मैं ना तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तो जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, समझी? बस बस, दोहन तोता है काजिया नौकर। हाँ ना, तुझे तेरी और राजीव की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट, मैं भी यही सोच रही थी। तू जाके कह क्यों नहीं देती राजीव से? क्या? ओफो कोपा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, अपने दिल की बात तू क्या फील करती है उसके लिए? तू कितना चाहती है राजीव को? मुझे कह देना चाहिए ना। कुछ नहीं हुआ? अरे मुंह से खून निकल रहा है, खांसी आ रही है, इतनी हालत बुरी है तो भी नहीं बताएंगे कि क्या हुआ। माला सच कह रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। नहीं बताएंगे ना आपको? मेरी कसम, बच्चों की कसम।